नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल और चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की। पूरा संबोधन कोरोना वायरस को लेकर ही था। पीएम मोदी के संबोधन में कयास लगाए जा रहे थे कि भारत चीन तनाव पर भी कुछ बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन का जिक्र न होने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में मोदी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। इससे पहले राहुल गांधी ने लिखा था कि चीन के सैनिक लद्दाख में चार जगहों पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइएगा कि चीन की फौज को हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी लगाई जिसमें चीन के बारे में लिखा गया है। तस्वीर पर लिखा है, चीन भारत की सीमा में 423 मीटर तक घुसपैठ कर गया। कांग्रेस के मुताबिक 25 जून तक भारतीय सीमा में चीन के 16 टेंट और टर्पोलिन है। चीन का एक बड़ा शेल्टर है, साथ ही तकरीबन 14 गाड़ियां हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री इसे नकार सकते हैं। संबोधन में चीन का जिक्र न होने पर प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधा और कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाए। अपने राष्ट्र संबोधन में इसका जिक्र करने से भी डरते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोई सरकारी अधिसूचना हो सकती थी। इसी के साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि जानकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आग्रह पर गौर किया है, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।